हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चुरन। आज भारतीय हथियार की मांग पूरे दुनिया में धीरे धीरे बढ़ रही है। भारतीय हथियार की गुणवत्ता की पूरी दुनिया मुरीद है, इसी के लिए इसके कस्टमर बढ़ रहे हैं। और जो देश भारत से एक बार हथियार खरीद लेता है, वह दोबारा भारत के पास हथियार खरीदने जरूर आता है। इसी कड़ी में आर्मेनिया ने भारत से और मिसाइल की मांग की है। आर्मेनिया भारत से प्रलय मिसाइल की मांग कर रहा है, क्योंकि उसके दुश्मन देश अजरबैजान ने लौरा मिसाइल आर्मेनिया की तरफ मुंह करके तैनात कर दिया है। लौरा मिसाइल को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। लौरा मिसाइल का पूरा नाम लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है। ये असल में एक थिएटर क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आप जानना चाहेंगे कि ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी होती है, लेकिन ये कलाबाजी कर सकता है। ये अपने रास्ते में अनएक्सपेक्टेड चेंज ला सकता है, जैसे ये अपना डायरेक्शन और रेंज बदल सकता है। इस मिसाइल की रेंज 90 से 430 किलोमीटर है। इसका वेट 1600 केजी है और इसकी लंबाई 5.2 फीट है और इसका डायमीटर 624 एमएम है। इसमें 570 केजी का वारहेड लगाया जा सकता है। लौरा मिसाइल की स्पीड का खुलासा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने नहीं किया है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब ब्लेड्स या हाई स्पीड पेनेट्रेट वॉरहेड लगाया जाता है। तो वहीं भारत की प्रलय मिसाइल कम दूरी की सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। प्रलय की स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन हवा से टारगेट की तरफ गिरते समय इसकी गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और गति ही इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। 5 टन वजनी यह मिसाइल अपने नाक पर 500 से 1000 केजी वजन का पारंपरिक हथियार लेकर जा सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मिसाइल को बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइल रात में भी हमला करने की क्षमता रखता है। इस मिसाइल के वॉरहेड में हाई एक्सप्लोसिव पेनिट्रेशन क्लस्टर म्यूनिशन फ्रेगमेंटेशन थर्मोबोरिक और केमिकल वेपन लगाया जा सकता है। अगर भारत अपना ये हथियार आर्मेनिया को देता है, तो इससे भारत को 3 मेजर बेनिफिट होने वाले हैं। पहला, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे भारत में डॉलर आएंगे और लोगों को डिफेंस सेक्टर में रोजगार मिलेगा। दूसरा, भारत की इस इलाके में पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि आर्मेनिया के दुश्मन अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की सपोर्ट करते हैं। और अगर आर्मेनिया मजबूत होगा, तो दुनिया में भारतीय हथियार पर देशों का भरोसा बढ़ेगा और भारत से पाकिस्तान और तुर्की को मुंह की खानी पड़ेगी। और तीसरा, भारत का पूरी दुनिया में रुतबा बढ़ेगा। और आपको क्या लगता है, भारत को आर्मेनिया को हथियार बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।